नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कोविड वैक्सीन का टीकाकरण भले ही कितनी भी धीमी गति से चल रहा हो, लेकिन इसे लेकर सियासत अपनी पूरी रफ्तार में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि टीके की डोज की कमी से हरियाणा भी जूझ रहा है, लेकिन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह हाय तोबा नहीं मचाई। केजरीवाल भी हरियाणा की तरह जितने टीके मिलते हैं उन्हें बचाकर लगाएं तो टीकाकरण एकदम से बंद नहीं करना पड़ेगा। अब केजरीवाल साहब कहते हैं कि उन्हें लोगों की जान बचानी है, ना कि दवाई। इसके बाद आज फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को हरियाणा से ज्यादा टीके मिल रहे हैं, फिर दिल्ली क्यों टीकाकरण बंद कर रही है? हम पहले आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का टीकाकरण को लेकर वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कल दिया था, उसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जो बयान आया है वो सुनवाएंगे, फिर आज मनोहर लाल का दिया हुआ बयान आपको सुनवाते हैं। आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेश में आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है, वो करता है। वो मैंने कल देखा था, वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले, तो जल्दी जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी, तो अपने को तो जल्दी जल्दी लगाने ही चाहिए। इसमें गलती क्या है? ऐसा नहीं कहा मैंने नहीं करनी चाहिए, मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं, परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कम नहीं मिल रही है। मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है, और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहें जी। बातचीत के माध्यम से अगर अरविंद केजरीवाल कोई इशू बनाना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है, करते रहते हैं वो इस तरह का। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है। कुछ आंकड़े हमारे साथ अभी हैं, मैं साझा कर देता हूं जब तक हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जो जुड़ेंगे उसमें वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से रहेंगी, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से रहेंगे, सुखबीर तंवर इंडियन नेशनल लोकदल से रहेंगे और आम आदमी पार्टी से संदीप मिश्रा रहेंगे। कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं हम लोग। टीकाकरण को लेकर राजनीति लगातार जारी है, बयान दोनों ओर से मुख्यमंत्रियों के आप लोगों ने सुने। हरियाणा में जो 18 साल से ऊपर की आबादी है जिनको टीके लगने हैं, और 1 मई से टीकाकरण अभियान जो 18 साल से ऊपर शुरू हुआ, उसमें हरियाणा में 1,90,00,000 आबादी है जिनको टीकाकरण होना है 18 साल से ऊपर, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 1,46,000 लोग हैं जिनको 1,46,000 लोग हैं जिनको टीका लगना है। अब तक जिन लोगों को टीका लग चुका है उसमें हरियाणा में, जैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, 58,30,000 लोगों को टीका लग चुका है और दिल्ली में 53,52,000 लोगों को टीका लग चुका है। मतलब अंतर 4,78,000 का है दिल्ली और हरियाणा के बीच। आबादी दिल्ली की थोड़ी सी कम है 18 साल से ऊपर वाली जिनको टीका लगना है, मतलब रोज़ाना एवरेज अगर हम मान कर चले तो 15,000 टीके दिल्ली में कम लग रहे हैं, उस हिसाब से आबादी भी कम है। लेकिन अगर हम और आंकड़ों की बात करें और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो दिल्ली में टीके हरियाणा से कम लग रहे हैं, जबकि संख्या आज तक की डेट के हिसाब से देखें तो लगभग बराबर है, कुल 4 लाख टीकों का अंतर है। लेकिन अगर हम कल की ही बात करें तो हरियाणा में रविवार को जो टीकाकरण हुआ, जितने लोगों को टीका लगा, वो 26,877 है, जबकि दिल्ली में 9,757 लोगों को ही रविवार को टीका लग सका।
जी 29 मई को जो टीकाकरण हुआ उसमें हरियाणा में 53,000 लोगों को टीका लगा और दिल्ली में 54,000 लोगों को टीका लगा, लगभग लगभग बराबर है। लेकिन 28 मई को यह अंतर बहुत कम था, हरियाणा में 23,000 लोगों को और दिल्ली में 23,000 लोगों को और हरियाणा में 66,000 लोगों को टीका लगाया जा सका। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़ चुके हैं और सुखबीर तंवर जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब, बीजेपी कहती है कि टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है और बेहतर तरीके से हरियाणा सरकार टीकाकरण कर रही है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा है गलत कहा है और आपकी पार्टी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी इसको लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या कहेंगे? प्रदीप जी, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं भी ये बात मानता हूं कि कोरोना महामारी के अंदर टीकाकरण के ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए जी। मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद ही जब राजनीतिक करता हो और राजनीतिक बयानबाजी करता हो, भाई प्रदेश की अदर पार्टियां लगा लो, सामाजिक धार्मिक संस्था का तो बोलना एक जाहिर सी बात बन जाती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं टीके धीरे धीरे लगाओ, जल्दी मत लगाओ, ताकि लोगों को यूं पता लगे कि स्टॉक पड़ा है, स्टॉक खत्म नहीं हुआ। भाई टीके जल्दी नहीं लगाओगे, लोगों को टीके नहीं लगेंगे तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, लोगों को कोरोना कैसे बचाओगे आप? ये तो सवाल हुआ कि आपका कि हम टिक्के ऐसे ऐसे लगा रहे हैं तो के हिसाब से, और तो आप केंद्र सरकार से और लीजिए। मुख्यमंत्री कहते हैं 58,000 टिक्के हमारे प्रदेश के अंदर अब तक लगे और जनता 2.5 करोड़ से ज्यादा आपके सामने प्रदेश के अंदर जनता हमारी है। और मुख्यमंत्री खुद घोषणा की थी 18 साल से लेकर 45 साल के व्यक्ति उसका रजिस्टर एंट्री स्पॉट रजिस्टर करेंगे। एक भी व्यक्ति का एंट्री रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो मुख्यमंत्री ने भी हमारा एंट्री स्पॉट हमने रजिस्टर करवाया। यहां तक कि आप देखो कोरोना महामारी के अंदर सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है। सरकार हॉस्पिटलों में ना तो दवाइयां मिली, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था थी। जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी, दवाई बचानी है या लोगों की जान? सीधा सीधा सा एक सवाल अरविंद केजरीवाल की ओर से खड़ा किया गया है कि दवाई बचानी है या लोगों की जान। देखिए केजरीवाल जी के लिए तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगी कि हरियाणा में कहावत है कि जो निकम्मी बहू होती है वो काम करती है, चूड़ियां ज्यादा खनखनाती है। वही केजरीवाल जी का हाल है, वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। इस चीज को समझिए, अगर हम पैनिक फैलाएंगे लोगों में कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वैक्सीनेशन की जो कमी है वो अभी हमारे को कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और प्रदेश का मुखिया इस चीज को समझते हुए, मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि वो कह रहे कि वैक्सीनेशन अभी प्रोसीजर में है, लेकिन साथ के साथ एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि सितंबर तक सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। हम प्रतिदिन 2 लाख की भी बात, अभी हमारी शायद 2 दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे तब भी मैंने इस बात को रखा था कि 2 लाख के करीब जो है प्रतिदिन हम चाह रहे हैं कि वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन जब तक नहीं आती है क्या पैनिक कर देना, सबको घबरा देना। मतलब ऑक्सीजन के समय भी ऐसा हुआ था, केजरीवाल जी ने क्या कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब हम क्या करें। जब ऑडिट की बात आई तब बोले जी ऑक्सीजन तो, अरे मैडम ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग मर रहे थे, अगर उस वक्त भी ना चिल्लाए तो कब चिल्लाएगा आदमी। नहीं, मैं आपकी बात सही कह रही हूँ कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई, लोग मर रहे हैं, तो जितना दुख आपको उतना दुख मेरे को भी है, उतना दुख मोदी जी को भी है, उतना दुख खट्टर जी को भी है, लेकिन राजनीति ना हो उसके ऊपर। ऑक्सीजन मांगा है तो राजनीति कर रहे हैं। मैं संदीप मिश्रा के पास चलता हूं। संदीप जी, आम आदमी पार्टी केवल चूड़ियां खनकाती है, राजनीति करती है और आप लोगों को शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं आता। सीधी सीधी सी बात वंदना पोपली की ओर से ये कहा गया।
देखिए, जिसके घर में अपना नहीं जाता उसे दूसरे का दर्द नहीं होता, जिनके बच्चे नहीं है उनके दूसरे के बच्चे मरने का दर्द क्या होगा। जब मोदी जी हार गए तो मनोहर जी आगे आ गए, ये वही खटारा सरकार के नुमाइंदे हैं जिन्होंने हरियाणा। नहीं, ये तो तर्कसंगत बात नहीं, आप सुनिए, आप आंकड़ों की बात करो, आप आंकड़ों की, संदीप जी आप आंकड़ों की बात करो, पूरी बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए साहब, मैं पोखरी जी को सुन रहा था, मुझे पूरी जवाब तो देने दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए, लेकिन लेकिन मर्यादित। ये वही विज जी हैं जिन्होंने दिल्ली के लोगों को हरियाणा में एंट्री बैन कर दी थी, ये कहा था कि दिल्ली के लोग कोरोना फैला रहे। ये वही मनोहर लाल के खट्टर की सरकार है जिन्होंने हमारे ऑक्सीजन के टैंकर रोक लिए थे, नहीं आने दिए थे। आज ये कह रहे हैं मौत को रोक दो और वैक्सीन को बचा लो। ये कैसे लोग हैं जो ऑक्सीजन लूटने का आरोप तो आप पे लगा था संदीप जी। ऑक्सीजन पानीपत में हमारे टैंकर नहीं घुसने दिए खट्टर साहब ने। सभी केजरीवाल ने मोदी जी से कहा था लाइव करके कि आप एक नंबर बता दीजिए। आप इसका जवाब तो दो कि पैनिक, देखिए अगर आप रोज ये कह के खड़े हो जाओगे कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और हम बंद कर रहे हैं, लोगों का भरोसा कैसे जीत पाओगे? लोग तो यही कहेंगे कि इनके पास की नहीं। लोगों का भरोसा केजरीवाल को नहीं, मोदी को जीतना है। मोदी वैक्सीन बांट रहे हैं, मोदी ब्लैक कर रहे हैं, मोदी के लोग ब्लैक कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में बेच रहे हैं, इनके सांसद इनके विधायक इस बात की घोटाले में पकड़े गए। आपको एक संदीप जी एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हरियाणा में 18 साल से ऊपर 1,90,00,000 लोग हैं, दिल्ली में 18 साल से ऊपर जिनको दवाइयां लगनी है, टीके लगने हैं, वो 1,46,00,000 लोग हैं। और वैक्सीनेशन की संख्या मैं आपको बता देता हूं, आज तक दिल्ली में 53,52,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर आपको ना पता हो तो मैं बताता हूँ, 53,52,000 लोगों को, और हरियाणा में 58,30,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप लोग दिल्ली में जिस तरह से सेंटर बंद कर दिए गए, पैनिक फैला दिया गया, लोगों को डर लगने लगा कि अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आप लोग मैनेज, एक सलाह तो आप भी तो चिट्ठी लिख के सलाह देते हो सरकारों को, जब आपको सलाह दे दी तो आपको दिक्कत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, बोलते रहेंगे या सुनेंगे? आप बोलिए ना। आपके आंकड़े गलत है, 92,00,000 नौजवान लोग 45 से कम है दिल्ली में। मेरे आंकड़े गलत है? ये फिर सरकारी वेबसाइट को बोलिए, उनके आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है। ये 92,00,000 हमारे यहाँ नौजवान है भाई साहब, सुन लीजिए आप, दुरुस्त कीजिए, आपको चिल्लाने से सही नहीं होगा। 92,00,000 लोग हमारे यहाँ नौजवान है जिन्हें 1,84,00,000 डोज हमें चाहिए डबल डोज लगाने के लिए। हमने हमेशा कहा कि हम खरीदने को तैयार, हमारे लिए जवान कीमती है, हमारे लिए सीसी नहीं सांसें कीमती है। केजरीवाल एक पहली सरकार है जो कहती है मैं हूं ना, इसका मतलब है कि हम जवान की जिंदगी का एहतराम करते हैं, उन्हें बचाने के लिए कहीं से भी कैसे भी करके हम अपने जवानों की जिंदगी को बचाना चाहते हैं। खट्टर जी क्या बताएंगे जिन्होंने आज तक वैक्सीन के नाम पर सिर्फ ये कहा मौत रोक दो लेकिन सीसी बचा लो। अरे मौत नहीं, सीसी बचा लो। मैं तवर साहब सुखबीर सिंह तवर जी, सारी राजनीति आपने देख ली, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से क्या कहना वो भी बोलिएगा, कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी बोली रही है, आप भी बोलिए साहब। नवाज साहब, एलियन नेशनल लोकदल का बेहद स्पष्ट मत है कि टीकाकरण यथाशीघ्र हो और युद्ध स्तर पर होना चाहिए। जिस प्रकार से खट्टर साहब का बयान आया निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये केंद्र सरकार को देखना है कि किस राज्य को कितना वैक्सीन देना है, और जिस प्रकार की ये बेफिजूल का वक्तव्य दिया गया, मेरा आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की सरकार को एक मशवरा है कि इन उल जुलूल बेफिजूल के बातों में विषयों में ना आए, बल्कि इसके अलावा जिस प्रकार के हालात अतीत में हुए भविष्य में ऐसे ना हो, जिस प्रकार से बेड नहीं थे, जिस प्रकार से ऑक्सीजन नहीं थी, जिस प्रकार से दवाओं की कालाबाजारी थी, डॉक्टरों की किल्लत थी, किल्लत है, कब तक रहेगी नहीं कहा जा सकता। पैरामेडिकल स्टाफ के जो हालात हैं वो सब आपको भी पता है, और जिस प्रकार से ये अंधाधुंध अस्थाई निर्माण करे जा रहे हैं और पैसे का जिस प्रकार से बंदर बांट हो रही है, जिस प्रकार से करदाताओं के पैसे का बेसा इस्तेमाल हो रहा है ना, आप भटक गए। इस प्रकार से टेम्परेरी जो टेंट लगा के, और डबा साहब जो टेंट लगा के अस्थाई व्यवस्था कर रहे हैं ना,
कृपया करके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय बैठी हैं, बता दें कि जो टेंटों में अस्थाई बताए उनमें कितने लोगों का इलाज हुआ है। निसंदेह कोई फिगर इनके पास नहीं होगा। इस प्रकार से इस देश और प्रदेश इनके पास कोई फिगर नहीं होगा, मुझे भी मालूम है। मैं आज एक सवाल मैं बजरंगदास गर्ग साहब से करना चाहता हूँ। आज गर्ग साहब, राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार है। एक मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ, वैक्सीनेशन की ये बर्बादी राजस्थान में किस तरह से हो रही है। 35 सेंटरों का टीका जो है ना वो कचरे में फेंक दिया गया, टीकाकरण नहीं हो रहा है। राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी इस पे नहीं होनी चाहिए। प्रदीप जी जी, राजस्थान हो, देश का कोई भी स्टेट हो जी, ये नहीं कि किसी कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की है। मैं चाहता हूँ वैक्सीन को इसका सदुपयोग होना चाहिए, आम जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो निंदनीय है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सरकार को हॉस्पिटलों में मूल सुविधा देनी चाहिए, जबकि सरकारी हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की हरियाणा के अंदर मूल सुविधा नहीं है। मेरे साथी ने सब बताया, आप देख किस प्रकार जिस टाइम कोरोना की महामारी थी, ना बेड मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर मिले, दवाइयां तक नहीं मिल रहा, सारा काला बाजारी, इंजेक्शन की काला, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी। सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने करोड़ों रुपए जो टेंटों के अंदर को स्थायी हॉस्पिटल बनाए, 3300 करोड़ रुपए सिर्फ चार के अंदर स्थायी हॉस्पिटल के नाम पर खर्च दिए। कितने पेशेंट का वहां इलाज हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि स्केल वहां है, बल्कि है नहीं, जैसे वहां है नहीं। आप 3300 करोड़ रुपए सरकारी हॉस्पिटलों में लगाते, वहां ऑक्सीजन व्यवस्था करते, व्यवस्था करते, तो 15 मिनट लोगों को राहत मिल, सरकार ने नहीं किया। सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटियां करने में लगी रही, और जहां तक की फीता काटने में लगी, मैं फीता काटने तुम लोगों जान फॉर्मेलिटी करने में लगी रही। वंदना जी, सरकार ये आरोप तो कहीं ना कहीं जायज भी लग रहा है। आप एक बात बताइए, कल संडे था, कुल 26,800 लोगों को आपने टीका लगाया, मतलब अगर 22 जिले हैं आप डिवाइड कर देंगे तो एक जिले के हिस्से में 1,022 दवाइयां आई हैं या टीके आए। 29 मई को शनिवार था, एक जिले के हिस्से में 2400 टीके आए। आपने 53,000 टीके लगाए शनिवार को, दिल्ली में शनिवार को लगे 54,200 टीके। 28 मई को शुक्रवार को 66,000 टीके लगे हरियाणा में, दिल्ली में 23,000 टीके लगे। ये तो फॉर्मेलिटी होगी, जब एक एक जिले में लाखों की आबादी 18 साल से ऊपर की, और अगर 1,000 लोगों को लगा के आपने आपने नमस्ते कर लिया उस दिन के लिए, ये तो फॉर्मेलिटी है, जायज तो आरोप तो जायज है, इसमें तो आप नहीं नकार सकते। प्रदीप जी, बहुत सहज भाव से मुख्यमंत्री जी ने एक बात रखी, उन्होंने कहा कि अभी हो सकता है आज हमारे पास वैक्सीन की थोड़ी कमी हो सकती है, जबकि दिल्ली में हरियाणा से ज्यादा वैक्सीन मिल रही है। तो हम एक तरीका कर सकते हैं कि जनता को हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा धैर्य बनाए रखे, पैनिक नहीं हो, इधर उधर नहीं भागे, क्योंकि वैक्सीनेशन आज नहीं तो 2 दिन बाद लग जाएगा, और हम उसमें पूरी तैयारी में है कि सितंबर तक सबको वैक्सीन लग जाए। तो उसको अभी थोड़ा कम नंबर हमने लगा दिया, बजाय इसके कि हम हाथ खड़े कर दें जी वैक्सीन नहीं हम क्या करें। तो जब हम उसके पूरे प्रयास में है कि वैक्सीनेशन सबका हो जाए, उसके लिए हमने बाहर की जितनी दवाइयां हैं उनको भी हमने अप्रूवल दे दी है, हमारी भी दवाइयों के हमने जो है और भी ज्यादा सेंटर बढ़ा दिए ताकि और भी ज्यादा उसकी प्रोडक्शन हो जाए। तो हमारा पूरा ध्यान उस पर है कि वैक्सीनेशन सभी का हो जाए। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट है कि एक समय ऐसा भी था, थोड़े दिन पहले की बात है, यही सारे कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी वाले हैं यही कहा करते थे कि वैक्सीनेशन क्यों लगवाना है, ये तो बेकार है, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, कुछ इस तरह की बातें कहा करते थे। जब एकदम से प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय जरूर लगेगा, उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, लेकिन साथ के साथ उन्होंने पूरे समय ध्यान भी रखा। आप ये देखेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो पहुंचे, अगर ऑक्सीजन की कमी थी ना वो किसी कार्यकर्ता से मिले ना किसी और व्यक्ति से मिले, लेकिन जितने भी लोग इस चीज को देख रहे थे उनसे पूछा प्रॉब्लम से, 2 दिन के अंदर उसके अंदर जो अगर जरूरत पड़ी तो उसका एक्शन भी इमीडिएट लिया गया। जैसे मैं रेवाड़ी की बात करूँ तो रेवाड़ी में आकर अगर एक सीएमओ की कंप्लेंट हुई तो 1 दिन के अंदर उसको डिमोट करके दूसरा सीएमओ लाने का काम किया। तो यहाँ पर दिखावा संदीप मिश्रा जी
तो हो सकता है दिखावे से तो काम नहीं चलेगा मिश्रा जी, सही बात है। अगर अगर आप लोग दिखावे की राजनीति ही करना चाहते हैं, पब्लिक के सामने हाथ खड़ा कर देने से क्या क्या मैसेज जाता है? देखिए दो बातें, सभा साहब आप बुद्धिमान और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। आप ये बता दीजिए, जब पूरा अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी ये कह रहा था अमेरिकन फर्स्ट, जैपनीज फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, तो मोदी जी क्यों कह रहे थे पाकिस्तानी फर्स्ट, बांग्लादेशी फर्स्ट, अफगानिस्तानी फर्स्ट? क्यों हमारे बच्चों की जान की सीसियों पर छीन कर क्यों ना पाकिस्तान के दुश्मनों को बांटी? किस लिए बांट रहे हैं मोदी? क्योंकि इनके पास न बच्चे हैं न बच्चों का इनको दर्द है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जगह नहीं बची, फिर भी ये कह रहे हैं कि रुक जाओ। वंदना मैडम आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए पब्लिक की आपको इस बात पे कि जिनकी औलादें जा रही है, जिनके घर के चूल्हे गुजरे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, उनको ये लोग शिक्षा दे रहे हैं जिनके आंगन में बच्चे नहीं है। ये कैसा बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? ये पाकिस्तानियों की बिरयानी की कीमत मोदी जी लोग चुका रहे हैं, ये हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा? क्यों बर्दाश्त करें हम अपने बच्चों की जान की कीमत पर पाकिस्तानियों की सौगात को बर्दाश्त करें? जब सीरम बना रही थी अभी भी मॉडर्ना को, जॉनसन एंड जॉनसन को, फाइजर को हमारे यहाँ मंजूरी नहीं है। मैं संदीप मिश्रा जी एक सवाल आपसे, बड़ा छोटा सा सवाल है। आप लोग बड़ी सलाह देते हैं सरकारों को कि फार्मूला शेयर किया जाए, वैक्सीन ज़्यादा बनाई जाए, है ना, कोशिश की जाए हर राज्य को, चाहे वो बीजेपी शासित है या गैर बीजेपी शासित है, सबको वैक्सीन मिले। सारे आपकी ओर से दी गई सारी सलाह मान लेनी चाहिए। अगर किसी और स्टेट का मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि भाई लोगों के बीच में सकारात्मक संदेश चला जाए और टीकाकरण ना रुके, उसको लेके आप धीरे धीरे भी कर सकते थे, लोगों को आप कौन सा बहुत ज़्यादा टीके, कल हरियाणा में 26,800 टीके लगे हैं और दिल्ली में कितने लगे हैं कल? 9,700 टीके लगे हमारे यहाँ तो टीके हैं ही आप, नहीं। आप बताइए जवाब साहब, आप देखिए ना हमारे यहाँ तो है नहीं। तो आप ये आरोप लगाइए ना कि आपको टीके कम मिल रहे हैं और बीजेपी को कम ज्यादा मिल रहे हैं, बीजेपी शासित, आप ये आरोप लगाइए ना कि बीजेपी शासित प्रदेशों को ज्यादा मिल रहे हैं, हमें कम मिल रहे हैं। सर मेरी बात तो सुनिए, 7 दिन में 700 सेंटर बंद है। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनाइज कर देंगे। इन्होंने फाइजर, मेडोना, जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया के 85 देशों ने मान्यता दे दी, इन्होंने मान्यता ही नहीं दी। आप ये सोचिए 36 राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को ये कहते हैं जाके खरीद लो और यहाँ पर उन्हें मान्यता नहीं दी। ये देश का कितना बड़ा मजाक मोदी और मनोहर बना रहे हैं, बताइए बजरंग दास गर्ग सरकारें तो सरकारें तो दोनों ही स्टेट में। मैं जी जी प्रदीप जी, एक तो मैं सवाल करना चाहूंगा बंदरा बहन जी से जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कोरोना जितने भी पेशेंट होंगे उनके इलाज के लिए 35,000 रुपए हरियाणा सरकार उनको कोरोना मरीजों को देगी। मैं पर कितने जो कोरोना मरीज थे, कितने व्यक्ति को हरियाणा सरकार की तरफ से राहत सामग्री पैसे मिले हैं? एक भी व्यक्ति को आप पर सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, सिर्फ घोषणा के सिवाय। मैंने कहा ये सरकार घोषणा की सरकार है, वैक्सीन पर राजनीति करने की जरूरत थोड़ी है, वैक्सीन केंद्र सरकार से लाने की जरूरत है, लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। आपके आंकड़े के हिसाब से अगर एक दिन के अंदर एक हिसार बोल लो, हिसार जिले के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, आप विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप 1,000 या 2,000 व्यक्ति को आप वैक्सीन लगाओगे, कितने सेंटर बना पाओगे? मतलब ड्रामा ही हो रहा ना जी। अरे क्या हो रहा, दो डोज वैक्सीन लगनी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 58,000 वैक्सीन, तो कितनी आप कितनी वैक्सीन लगी है? 58 लाख। मैं आ रहा हूँ वंदना जी आपके पास, एक बार तवर साहब का एक रिएक्शन और लेते हैं, फिर उसके बाद आप ही के पास हम लोग। जनता का जिंदगी का सवाल है, यह राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक बात है। हमें जनता की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी आपकी बात को महंगी आपने कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री कहते हैं आप कुछ कहते हैं, आपके सरकारी कुछ कहते हैं, ये मानिए आप ये मानते कि आपने वैक्सीन की गुप्ता टीकों से नहीं की, आपके पास सरकारी हॉस्पिटलों में पूर्व सुविधा नहीं है, आपने प्रदेश के अंदर
ठीक है, एक प्रतिक्रिया तवर साहब से लेते हैं, फिर वंदना पोपली जी से ही जवाब लेंगे इसका पूरा। जी जी तवर साहब। हाँ डबा साहब, जो भी टीके की बर्बादी किसी भी प्रदेश के दोबारा होती है, आज के इस जो कोविड का आज काल है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार के जिसकी भी जिम्मेदारी है उन अधिकारियों को चिन्हित करके दंडित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आज विषय था मुख्यमंत्री हरियाणा के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का, उससे हटके ये दूसरी दूसरी बात कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहूंगा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जब पिछला कोरोना काल था 1 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी कि अगर कोई दिल्ली पुलिस का जवान शहीद होगा, आपको भी याद होगा कहां है अमित राणा का 1 करोड़ रुपया। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय वो जवाब देके जाएं। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तो है ही घोषणाओं की बात। अभी जो ये बात कर रहे थे, मैं कहना यह चाहता हूं जिस प्रकार से कोरोना काल में चोर दरवाजे से आज पेट्रोल के क्या भाव है देश में, 100 रुपए से ऊपर जा चुका है बहुत प्रदेशों में, और आज सरसों के तेल का क्या भाव है, कोरोना काल में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन ये भी जो तवर साहब, तवर साहब एक बार जवाब ले लेते, तवर साहब एक बार जवाब लेते क्यों नहीं दिया भाई? आप लोगों ने खुद घोषणा की थी कि कोरोना की वजह से अगर किसी फ्रंटलाइन वर्कर का, वॉरियर का अगर देहांत या निधन होता है तो 1 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं। और हमने डॉक्टर अनस से लेके टीचर्स को रोज मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के यहाँ जा रहे हैं। जवाब साहब आपको जानकारी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अमित राणा का घर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से 46 किलोमीटर ही पड़ता है सोनीपत, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक साल से ऊपर हो गया है। जवाब साहब एक ही दिन में मिलता है क्या सबको? एक साल हो गया। और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह जी के अंडर में। तो क्यों घोषणा करी थी? घोषणा करी थी एक बात, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में ये नहीं पता क्या जवाब साहब आपको? अरे घोषणा तो अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई थी ना संदीप मिश्रा जी, घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की थी। देश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा एक भी घर नहीं छूटेगा, उनका बोला हुआ बात पत्थर की लकीर है। वो जो आज कहते हैं आपने जो बात कही है उससे ये मान के चला जा सकता है संदीप जी कि अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई घोषणा वापस ली जा रही है, अब अमित राणा के घर वालों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। कई लोग बोलेंगे तो जवाब नहीं आएगा, मेरा जवाब सुन लीजिए जी। कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो छूटेगा सीएम साहब अरविंद केजरीवाल का मतलब पत्थर की लकीर है, उनकी जुबान का मतलब भरोसा है, एतबार है। वो मोदी का जुमला मनोहर की दौत नहीं है, केजरीवाल के बोलने का मतलब एक नायक का बोलना है, और आज जो नायक बोलता है उसे मुख्यमंत्री। मैं वंदना पोपली जी आपसे अपना घर संभाला नहीं जाता है, आपके यहाँ वैक्सीनेशन के टोटे पड़े हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री को सलाह देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी की तरह धीरे धीरे लगाओ। देखिए मेरी बात सुनिए संदीप जी सुनिए। वो एक हरियाणा में एक कहावत है, कर आवे घूंघट आली नाम झुरमट आली का, तो अमित शाह जी का भी अभी नाम ले रहे थे, हर एक चीज कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते, कभी बोलते हरियाणा के जीते भी यहाँ पर आए। सुनिए संदीप जी, सुन लीजिए। एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको एक सलाह देने की कोशिश करी, क्योंकि दिल्ली जो है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से हरियाणा से, तो आप जितना पैनिक बनाएंगे उसका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ेगा। पहले भी ऐसा हुआ है, आपको क्लियरली बता दूं, अगर ये पानीपत, अम्बाला, कैथल, रेवाड़ी, गुड़गांव नहीं होता तो दिल्ली का हाल बहुत बुरा हो जाता। कृपया करके पैनिक मत फैलाइए, एक बड़ा रीजन था मुख्यमंत्री जी का आपको बताने का कि इसको पैनिक को मत फैलाइए, उसका इम्पैक्ट हमारे स्टेट पे भी पड़ता है।
ऐसा ना हो कि वो चीजें बढ़ जाए, हम उसको कम करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि कोरोना का इंपैक्ट जो है हमारे जितने भी तीन कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, चाहे आप फरीदाबाद की बात कर लीजिए, सोनीपत की बात कर लीजिए, लाखों लोग आते हैं फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, हर जगह से लाखों लोग आते हैं। सीधी सी बात यह है कि बीजेपी का कहना है कि पैनिक क्रिएट ना हो, एक भय का माहौल ना बने, इस वजह से मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया ये बयान। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बयान ना दे, हम दवाई देंगे, आप बयान मत दो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।